Good morning, dear students, all of you. I am going to commence a poem, Spring and Fall, composed by Gerard Manley Hopkins, 1844 to 1889. Dear students, it is a very beautiful poem. Worldly as well as spiritual aspects are represented in this poem. What oft was thought बट नॉट सो वेल एक्सप्रेस्ड, जिसके बारे में अंग्रेज विद्वानों ने सोचा तो था पर अभिव्यक्त नहीं कर पाए थे, वो सारी अभिव्यक्ति हॉपकिंस साहब ने इस कविता में प्रस्तुत की है। पुराणों का, वेदों का, उपनिषदों का, सबका वर्णन इस कविता के अंदर बहुत ही मार्मिक और हृदयस्पर्शी रूप से प्रस्तुत किया है। और कविता है स्प्रिंग एंड फॉल। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी डिस्कस इन डिटेल अबाउट द टाइटल ऑफ द पोइम। स्प्रिंग एंड फॉल, सामान्य रूप से देखा जाए तो स्प्रिंग बसंत ऋतु को कहते हैं और उसका फॉल माने गिरावट। जब वो बसंत की गिरावट आती है तो पतझड़ शुरू हो जाता है। यहाँ और वास्तविक अर्थ है, स्प्रिंग का मतलब उत्पत्ति, उद्गम, जो संसार में सुखों की उत्पत्ति उद्गम है, वही मनुष्य के संसार, इस संसार में दुखों का कारण बन जाते हैं। जो आज मनुष्य शारीरिक सौंदर्य, धन बल, प्रतिष्ठा बल, ज्ञान बल, मित्र बल, जिसके ऊपर नाज करता है, सौंदर्य बल, ये सब नाशवान है, एक ना एक दिन मृत्यु को प्राप्त होंगे, विनाश को प्राप्त होंगे। तो हे मनुष्य, जब ये नाश को प्राप्त हो तो उस समय दुख महसूस मत करना। इसीलिए शुरू से ही कवि महोदय ट्रेनिंग दे रहे हैं कि स्प्रिंग एंड फॉल, जो सुखों के उद्गम है, उत्पत्ति है, वही वस्तुएं, वही कारण ही दुखों के, जी का जंजाल बन जाते हैं, दुखों के कारण बन जाते हैं। और यहाँ पर बहुत ही सुंदर प्रस्तुति है। लेट मी इंट्रोड्यूस द पोइम, स्प्रिंग एंड फॉल। हॉपकिंस एड्रेसेस दिस पोइम टू ए यंग चाइल्ड। इट इज ए शॉर्ट लिरिक, इट इज ए ब्यूटिफुल सॉनेट, स्प्रिंग रिदम सॉनेट। It is addressed to a young girl, Margaret. It was written at a time when Hopkins was feeling most depressed by overwork. खुद जीवन में बहुत ज़्यादा कार्य की अधिकता से जब वो जीवन में थकावट महसूस करने लगे, धीरे धीरे गिरावट महसूस करने लगे, तब उनको खुद को अनुभव हुआ। उसके आसपास के क्षेत्र के अनुभव को देख करके उन्होंने ये कविता लिख डाली। इस कविता के अंदर बहुत ही सुंदर तरीके से जो प्रस्तुतिकरण किया गया है, प्रिय विद्यार्थियों, इसका एनालिसिस मैं हिंदी में एक बार कर दूं पोइम के साथ में। मार्गरेट, आर यू ग्रीविंग ओवर गोल्डन ग्रोव अनलिविंग। मार्गरेट एन इमेजिनरी चाइल्ड, यहाँ चाइल्ड को एड्रेस किया गया है कि तुम संसार में जिस दिन आए, तुम जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ, तो लोग खुशियां मनाते हैं, पर वास्तविकता ये है कि जीवात्मा जैसे ही इस संसार में प्रविष्ट कर जाती है, जो एंटिटी इस संसार में प्रविष्ट करती है, उस समय ही उसके दुखों का पिटारा शुरू हो जाता है। मार्गरेट, आर यू ग्रीविंग, तुम दुख अभिव्यक्त कर रही हो ओवर गोल्डन ग्रोव वन लिविंग। गोल्डन ग्रोव, ऐसा स्वर्णिम किरणों का पुंज जो सेटिंग सन, सूर्यास्त के समय देखने को मिलता है, अनलिविंग, इतना वो सौंदर्य वाला दृश्य लगता है, कभी मनमोहक सा लगता है, लेकिन जो सुंदरता आज दिख रही है वही कल को नाश को प्राप्त होगी। और जो चीज़ नाशवान है, फिर हम उसके उत्पत्ति पर, उसकी सुंदरता पर नाज क्यों करें, क्यों हम घमंड, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, इन सब प्रकार के नेगेटिव फैक्टर्स में क्यों मनुष्य अपने आप को इन्वॉल्व कर लेता है। लीव्स लाइक थिंग्स ऑफ मैन, आह, वेरी ब्यूटिफुल, very beautiful poetic statement is being represented here by the poet. मनुष्य की तुलना की है
वृक्ष के पत्तों से, पेड़ों से, तुम तो उस तरह से हो मनुष्य कि जिस प्रकार से पत्ते, नए नए कोंपल, कलियां विकसित होना शुरू हो जाती हैं और वो बसंत में बहुत सुंदर दिखती हैं, लेकिन वही सारी पत्तियां, कोंपल जो बसंत में थी, पतझड़ में नाश को प्राप्त हो जाती हैं। सब तरफ वो जो हरियाली बसंत में थी, वो बसंत ऋतु में गुजरते गुजरते जब वो पतझड़ में जाती हैं तो पीली पीली नज़र आती हैं। विद योर फ्रेश थॉट्स केयर फॉर यू, कैन यू, क्या आप हमेशा के लिए अपने विचारों को इतना फ्रेश, एवर फ्रेश रख सकते हैं? नो, मैन इज नॉट परमानेंट, मैन इज एफिमेरल, ट्रांजिटरी, डिके एंड सब्जेक्ट ऑफ डिके एंड डेथ, आह एज द हार्ट ग्रोज ओल्डर। कवि हृदय की साक्षी बताते हैं, वो दिमाग की बात नहीं कर रहे, हृदय को बता रहे हैं कि जिस प्रकार से मनुष्य का हृदय बड़ा होता चला जाता है और उसके अंदर बहुत सारे जब सांसारिक अनुभव आते हैं तो साथ साथ में आत्मिक और आध्यात्मिक अनुभव भी आना शुरू हो जाते हैं और उस समय स्वतः ही कई प्रकार की इच्छाओं का, सांसारिक इच्छाओं का दमन शुरू हो जाता है। एज द हार्ट ग्रोज ओल्डर इट विल कम टू सच साइट्स कोल्डर, कोल्डर इच्छाओं का दमन शुरू हो जाता है बाय एंड बाय, शने शने नॉर्स पेरेसाई, और धीरे धीरे जब वो बिल्कुल नाश की तरफ अग्रसर होता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि आह लेना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। दो वर्ल्ड्स ऑफ वैनवुड लीफ में लाई, जो बसंत ऋतु के अंदर इतना लावण्यमय सौंदर्य, शारीरिक सौष्ठव, जो एक शारीरिक सौंदर्य छटा जो कभी दिखाई दे रही थी बसंत ऋतु में, आज वो वैनवुड के रूप में हो गई, पीले पीले जंगल के रूप में, पतझड़ में महसूस हो रही, दिखाई दे रही लीफ मील, वो सारे सौंदर्य, सुंदरता के पत्ते, कोंपल, फूल, फल, लताएं, वो सब आज वैनवुड, पीले पीले जंगल के रूप में परिवर्तित हो गई हैं और लीफ मील अर्थात उनके टुकड़े, पीसेस क्रम्बल्ड हो गए हैं और क्रम्बलिंग डाउन हो गए हैं, लाई यहाँ पर इस संसार में पड़े हुए। सुंदरता थी, फीकी होगी, नाश को प्राप्त हो गई है, एंड येट यू विल वीप एंड नो वाई एंड यू विल वीप। स्वाभाविक है, कोई भी अपने सौंदर्य को, जिसने यौवन अवस्था में, पूर्ण यौवन अवस्था में अपने सौंदर्य को देखा है, जब वो बुढ़ापे में उसी चेहरे को देखता है, उसी लावण्य में सौंदर्य को देखता है जो उस समय नहीं है, बुढ़ापे में नहीं है, उसको देख करके रोना शुरू होता है और ये स्वाभाविक है, रोना आए भी क्यों नहीं। नाउ नो मैटर चाइल्ड द नेम, सॉरोज स्प्रिंग्स आर द सेम, वेरी ब्यूटिफुली उपनिषेदिक बेनेडिक्शंस शावर्स आर बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द वेदांतेस पोइट हॉपकिंस, सॉरोज स्प्रिंग्स आर द सेम, कितनी ब्यूटीफुल बात लिखी है। दुखों के स्रोत वही है जो कभी सुखों के स्रोत हुआ करते थे, जो दुख है वही सुख है, जो सुख है वही दुख है, मनुष्य अंतर नहीं कर पाता इस संसार में, मद मोह मान अहंकार लोभ क्रोध में डूबा हुआ मनुष्य ये समझ नहीं पाता कि आज जो सुखों के कारण है वही कल दुखों के कारण बनेंगे, और हे मनुष्य जब वो दुखों के कारण बनेंगे तो उन दुखों के ऊपर विलाप मत करना, इस बात की ट्रेनिंग अप्रत्यक्ष रूप से दी जा रही है। नोर माउथ हैड नोर नोर माइंड एक्सप्रेस्ड, वो पहले कवि महोदय ने ऊपर बताया था, आह एज द हार्ट ग्रोज ओल्डर इट विल कम टू सच साइट्स कोल्डर, जैसे जैसे हृदय अनुभवी होता चला जाता है, इस संसार का भी अनुभव होता है और आत्मा परमात्मा का भी उसको अनुभव होता है, जब आत्मा परमात्मा का, अध्यात्म का अनुभव होता है तो कई प्रकार की इच्छाओं का दमन स्वतः ही शुरू हो जाता है। यहाँ पर कवि लिख रहे हैं, नॉर माउथ हैड नॉर माइंड एक्सप्रेस्ड, इस संसार के ऋषि मनीषी स्कॉलर्स, ग्रेट स्कॉलर्स, वेस्टर्न स्कॉलर्स, जिस बात को दिमाग मुंह है जिसको नहीं कह पाया वो यही बात है, व्हाट हार्ट, हार्ट ऑफ गोस्ट गेस्ट, इट इज द ब्लाइट
मैन वॉज बॉर्न फॉर ब्लाइट दुख। यही मनुष्य का सबसे बड़ा दुख है कि वो इस संसार में जन्म ले लेता है, क्योंकि इस संसार में जन्म लेने से पहले वो जीवात्मा 84 लाख योनियों में कहाँ कहाँ भटकती है, और उस भटकने के बाद जिनको जिनकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त नहीं होता, जो ईश्वर के धाम पर नहीं जाती, वो भटकती हुई आत्माएँ पुनः इस संसार में जन्म लेती हैं। उनके जन्म लेने के लिए ही कवि ने कहा है कि उसके जन्म पर बहुत खुशी मनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आज खुशियां हैं वो कल खुशियां नहीं रहेंगी, वो दुखों में तब्दील हो जाएंगी। इट इज़ द ब्लाइट मैन वॉज बॉर्न फॉर, इट इज़ ए मार्गरेट यू बॉर्न फॉर। ओ चाइल्ड, एक जर्नलाइजेशन एंड पैकुलराइजेशन ऑफ सिचुएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग यहाँ प्रस्तुत किया गया है कि मनुष्य किस प्रकार से क्षणिक सुखों के अंदर तो बहुत सुख मनाता है, और वही जब एक दिन दुखों में परिवर्तित हो जाते हैं तो बहुत दुख मनाता है। मनुष्य यहाँ सुख दुख को एक तटस्थ होकर के देखने की आवश्यकता है। डियर स्टूडेंट्स, लिसनर्स, स्पेक्टेटर्स, ऑडियंस, लर्नर्स, लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली एनालिसिस ऑफ द पोइम। The poem is addressed to a young child named Margaret. Margaret is an imaginary child. The ideas conveyed through the poem based on experiences of Hopkins. What did he perceive in this world? They are the ideas of imaginary child Margaret. She feels unhappy on the falling of the leaves in a forest. पत्तियां गिरती हैं तो बड़ा दुख महसूस होता है, सुख दूर चले जाते हैं तो बड़ा दुख महसूस होता है। द पोइट आस्क द यंग चाइल्ड मार्गरेट इफ शी इज अनहैप्पी एट द साइट ऑफ फॉलिंग लीव्स। द पोइट टेल्स द मार्गरेट चाइल्ड दैट लीव्स आर जस्ट लाइक मैन एंड वुमेन, लीव्स आर ह्यूमन बीइंग। ही टेल्स हर दैट शी नीड नॉट फील सॉरी बिकॉज शी इज येट फ्रेश एंड यंग। वन Men grow older, they see such sights very often, and so such sights do not affect them at all. They do not utter even a single sigh, even if they see large woods falling down leaf by leaf and lying into the dust. It is because people are habituated to such sights, leaves like the things of man. You with your fresh thoughts care for, can you? The poet very intelligently puts half question, can you? Oh man, are you not the subject of decay and death? Are you permanent in this world? Your beauty, your physical world is permanent in this world? No, it is temporary phase of life. Further the poet says, this explanation will, however, not prevent the child. Only by grieving, by sorrowing over the sorrows of human life, can we protect human being from sorrows and sufferings? No, we cannot protect. The poet says that child's heart weeps not because of the falling of leaves in a single forest as such, but because she knows that causes of sorrow everywhere the same. Our sorrows and springs are the same. Lord Krishna also in Srimad Bhagavad Gita says, oh Arjun, this world is ever changing, temporary phase of life. You see here, you will meet and you will gain, you will experience in this world. So, when our sources of our pleasure converted into sorrows and sufferings, we must not express grief over it. We must be indifferent to all these things. It is very strange that although this fact about decay and death is no secret, yet nobody has so far expressed it. The source of all grief and sorrow is the effect of mortality of both man and nature. Everything decays and dies in the end. Everything is the subject of decay and death in this world. So we must not
not take a pleasurable aspect. We must not be over smart in this world by experiencing surrounding happy aspects, because these aspects will turn into sorrows and sufferings one day. So we must be indifferent in this world. It is very strange that although this fact about decay and death is no secret, the source of all grief and sorrow is the fact of mortality for both man and nature. Everything decay and dies in the end. Man is mortal. Man was born to die in the end. Man takes birth in this world simply because he is to depart forever from here. Margaret grieves not so much because she sees the decay and death of the forest, but because she knows that she herself is subject to it, subject to decay and death. It is Margaret, you mourn for Margaret, is grieving for the death of Margaret, for that individuality and distinctness which is symbolized by the figure and name of Margaret. इस प्रकार से इस संसार के अंदर हर चीज़, हर विषय वस्तु, पैसा, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, सौंदर्य, शारीरिक सौंदर्य, मानसिक सौंदर्य, कार, कोठी, बंगला, ये जो आज सुखों के स्रोत दिख रहे हैं वही दुखों के कारण बन जाएंगे. इसलिए मनुष्य को बहुत ही तटस्थ होकर के जीवन में जीना चाहिए. सुखों में ज़्यादा सुख नहीं महसूस करना चाहिए और दुखों में हमें दुख महसूस नहीं करना चाहिए, तभी ये जीवन सही ढंग से जिया जा सकता है. यही विषय वस्तु, वही यही तात्पर्य इस कविता का है. बहुत ही सुंदर तरीके से यह एक सोनेट के रूप में प्रस्तुत किया गया है. सोनेट, प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको 60 सेकंड में बता दूं, सोनेट सबसे पहले इस धरती पे इटली में लिखी गई थी. पेट्रार्क नाम के कवि ने लिखी थी, इसलिए उसको पेट्रार्कन या इटालियन सोनेट कहते हैं. उन्होंने 14 पंक्तियाँ रखी, जिसे काल्पनिक या वास्तविक प्यार की अभिव्यक्ति या कभी धार्मिक भावनाओं की अभिव्यक्ति को अभिव्यक्त करने के लिए लिखा गया था. उसने दो प्रकार की भागों में विभाजित कर दिया था इस 14 पंक्तियों को. अष्टक 8 पंक्तियाँ, ऑक्टेव, षष्टक, सेस्टेट 6 लाइन्स, 8 और 6 14. शुरू में प्रॉब्लम रखना और बाद में प्रॉब्लम को हल, सॉल्यूशन दे देना, यही इसका उद्देश्य है. सोनेट का बहुत ही ब्यूटीफुली म्यूजिकल स्ट्रेन्स के साथ इसको गाया जा सकता है. जॉन मिल्टन इंग्लिश के ग्लोरियस पोइट हैं, उन्होंने भी 14 पंक्तियाँ यूज़ की, जो कहते हैं राइमिंग स्कीम यूज़ की, और वो राइमिंग स्कीम जो कहते हैं यूज़ की. इसलिए इंग्लिश में पेट्रार्कन सोनेट, मिल्टोनिक सोनेट या इटालियन सोनेट कहा जाता है. शेक्सपियर साहब ने पंक्ति तो 14 ही रखी, लेकिन उन्होंने म्यूजिकल स्ट्रेन्स टोटली चेंज कर दी और एंड में अपनी कविता के एक दोहा रख दिया, 2 लाइनों का दोहा, कपलेट, जैसे तुलसीदास जी के रामचरितमानस में दोहा होता है. दोहा को हिंदी या सिंपल इंग्लिश में कह सकते हैं, 2 राइम्ड लाइन्स इज कपलेट. और उन्होंने भिन्न भिन्न स्ट्रेंजर्स के अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया. बहुत ही म्यूजिकल, ABABCDCD इस प्रकार से म्यूजिकल स्ट्रेंस थी. इसका हमने सारा जिक्र इससे पहले वाली वीडियो में कर दिया है. एक शेक्सपियर की सोनेट का एक्सप्लेन किया है, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स. प्रिय विद्यार्थी और लर्नर, स्टूडेंट्स, ऑडिट, सब ऑडियंस, आप स्पेक्टेटर्स, वहाँ पर जाके सोनेट के बारे में डिटेल से जानकारी ले सकते हैं. यहाँ पर हमने आपको एक पोइम स्प्रिंग एंड फॉल, ब्यूटीफुल सोनेट, गेरार्ड मैनले हॉपकिंस की पूरी डिटेल चर्चा कर दी है और इसके नोट्स भी प्रदान कर दिए जाएंगे. उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगे होगा. आगे हमारी नई वीडियो क्लिप्स को देखने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहें. जय हिंद, जय भारत.